22 साल गौतम अडानी को दुनिया के सबसे बड़े रईस बनने की उम्मीद थी और जिस तेजी से पिछले कुछ वक्त में उनकी संपत्ति बढ़ी थी, ऐसा लग भी रहा था गौतम अडानी बहुत जल्द दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन पिछले 3 दिनों में उन्हें ऐसा झटका लगा कि अब वो टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ऐसे गिरे कि गौतम अडानी को ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स की टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में 4th नंबर से 11वें नंबर पर लापटक दिया। अडानी की संपत्ति 36.1 अरब डॉलर कम होकर 84.21 अरब डॉलर रह गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में अंबानी अब कार्लोस स्लिम से भी पिछड़कर 11वें नंबर पर आ गए हैं। उनके पीछे 12वें स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। इनकी संपत्ति 82.2 अरब डॉलर है। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। लंबे समय से इसमें शामिल दोनों भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी अब लिस्ट से बाहर हो गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी के नेटवर्थ में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस रिपोर्ट को पब्लिश हुए अभी हफ्ता भर ही हुआ है। इस नेगेटिव रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 7 कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई है। इसके चलते अडानी ग्रुप की कंपनियों के कुल मार्केट कैप में सिर्फ 3 दिनों में ही 5.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में बीते 4 दिनों में सबसे ज्यादा 20% तक की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा शेयर बाजार में लिस्टेड उनकी कंपनियां अडानी पोर्ट से लेकर अडानी विल्मर तक के शेयर बुरी तरीके से टूटे हैं और गिरावट का ये सिलसिला अभी भी जारी है। US की फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा गया है कि अडानी की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन पर है। रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के सभी कंपनियों के लोन पर भी सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियां 85% से अधिक ओवर वैल्यूज हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की लिस्टेड रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल किए गए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप की ओर से इसे बिल्कुल निराधार करार दिया गया है।